नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल फिजियो डॉक्टर शिवम सिंह का मुख्य उद्देश्य है सर्वल पाल्सी और शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। अगर आप सर्वल पाल्सी या शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के बारे में अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। मेरा नाम पूनम त्रिपाठी है। मेरे बेटे का नाम आर्य शुक्ला है जो 6 साल का है। शुरुआत में तो मेरा बच्चा नॉर्मल था, सब नॉर्मल एक्टिविटीज किया करता था, खेलना कूदना सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जब ये स्कूल जाना शुरू किया तब इसके में थोड़ी थोड़ी मुझे प्रॉब्लम का रियलाइजेशन हुआ। टीचर्स कहती थी कि हर टास्क को करने के लिए बार बार कहना पड़ता है और इसको लिखने में भी बहुत दिक्कत होती थी। लिखना नहीं चाहता था, पेंसिल नहीं पकड़ता था। तो धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती गई। फिर मैं हमारे बच्चों की गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हुई तो मैं यहाँ पे आई। तो मुझे यहाँ मेरे प्लेसर जो है उम्मीद चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फिजियोथेरेपी सेंटर के लिए सजेस्ट किया और यहाँ पे मेरे बच्चे की ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी स्टार्ट हुई। तो जिससे मुझे बच्चे में धीरे धीरे ग्रेजुअली थोड़ा डेवलपमेंट दिखने लगा। वो एक जगह बैठना शुरू किया, लिखने में भी अब फोकस करता है। जो मैं कहती हूँ कि ऐसे लिखो तो लिखता भी है उसी तरह से। उससे काफ़ी फायदा हुआ। पहले जैसे अगर हमारे घर कुछ अगर अनजान बच्चे आते थे तो उन्हें देख कर ये छिपने लगता था, उनसे उनके साथ खेलना नहीं चाहता था। लेकिन अब धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब बच्चे आते हैं तो उनके साथ बैठ के खेलता है, उनके साथ मिंगल होने की कोशिश करता है। और यहाँ पर मैंने अपने बच्चे का 2 महीने ट्रीटमेंट कराया, इससे उसे काफ़ी फायदा हुआ। अब उसके वर्ड्स भी ज़्यादा बोलता है, अपनी सारी बातें अच्छे से कम्युनिकेट कर लेता है और बार बार कहना नहीं पड़ता हर बात करने के लिए, हर काम करने के लिए। तो इससे उसे काफ़ी फायदा हो रहा है। सबसे ज़्यादा फायदा इसकी राइटिंग स्किल में हुआ। अब राइटिंग वो पेंसिल पे पूरा दबाव डाल के लिखता है। और जैसे पहले मुझे लगता है मेरी बातों को समझता नहीं है, लेकिन जैसे ट्रीटमेंट के बाद ये लगता है अभी मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर रहा है और मेरे इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करता है। अब आप देखिए मेरे बच्चे की स्पीच काफी डेवलप हो गई है। अभी वो आपको एक सॉन्ग सुना के दिखाएगा। सुनो बेटा, सारी शुरुआत से ना 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 Give me some rain, give me another chance to grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to grow up once again. Chididho, punch ponga ya, jivani bilge, ikapal to na me. वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुजलां, मदयजसी तेलां, शशमलामला मातरम, वंदे कतर में रहती हूँ इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा एक और बच्चा है जो पढ़ता है। इसलिए मुझे यहाँ पर मैं और नहीं रुक सकती। और मैं यहाँ के स्टाफ और यहाँ के डॉक्टर्स को बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने अच्छे से इसका टेक केयर किया। और मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहती हूँ, अगर बच्चे में थोड़ी सी भी समस्या है तो उसे
जरूर एक बार ले आके दिखाएं। अगर आपके बच्चे में ADHD है, स्पीच डिले है, डाउन सिंड्रोम है, तो उन्हें एक बार जरूर लाए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इससे बच्चे की लाइफ आसान होती है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप उसे जरूर लाएं और उसे जरूर दिखाएं। धन्यवाद।